फरीदाबाद में पाल प्रजापति समाज द्वारा 8 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया गया, जिसमें 51 दूल्हे एक साथ घोड़ी पर चढ़कर पहुंचे। प्रजापति समाज ने देव उठान एकादशी के शुभ अवसर चतुर्थ 51 जोड़ों का आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन बल्लभगढ़ के पनहेड़ा खुर्द गांव में करवाया। 8 दूल्हे एक साथ घोड़ी पर बैठकर गांव के किनारे से विवाह स्थल पहुंचे, जहां उनका इंतजार दुल्हने कर रही थी। शादी स्थल पर पहुंचने के बाद सभी दुल्हों ने एक साथ अपनी अपनी होने वाली दुल्हनों को वरमाला पहनाई और अलग अलग मंडपों में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की सभी रस्में निभाते हुए सात फेरे लिए। इस दौरान पाल प्रजापति समाज के अध्यक्ष की माने तो पिथला क्षेत्र के विधायक टेकचंद शर्मा मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने सभी दूल्हा दुल्हनों को सभी नवविवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद दिए और सुखी विवाहित जीवन शुभकामनाएं भी दी। इस सामूहिक विवाह के बारे में जानकारी देते हुए समाज के भूपेंद्र चौहान ने बताया कि विवाह के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एवं हरियाणा के प्रजापति समाज के दूल्हे ने आवेदन किया था, जिनकी शादी करवाई गई है। इस सामूहिक विवाह का मुख्य उद्देश्य समाज से दहेज प्रथा को खत्म करना और कम खर्च में शादियां करके उन गरीब परिवारों के भावी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु धन की बचत करने, उन परिवारों को सक्षम करना और शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना है। ये बड़ा सौभाग्य का पहला आयोजन शहरों में तो बहुत होते हैं, बाकी गाँव देहात के अंदर ये पिथला विधानसभा क्षेत्र के ज़्यादातर जोड़े, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक जरूर यहाँ पे इन गांवों से था। और ये प्रजापत दक्ष समाज के द्वारा एक सोसाइटी इनकी जो हमारे है प्रजापत समाज की, उन्होंने ये आयोजन किया था। 8 जोड़ों की यहाँ पे शादी कराई गई है और जिस तरीके का ये आयोजन आप देख रहे हैं, भव्य आयोजन में तो कहूँगा, पहला प्रथम आयोजन इस तरीके का मैंने देहात के अंदर पहली बार देखा। और मैं इनको आशीर्वाद के साथ साथ शुभकामनाएँ देता हूँ कि परमपिता परमात्मा इस समाज को आगे बढ़ाए और इन परिवार के बच्चों, जिन्होंने इसमें सहयोग देकर के परिवारों ने, इन बच्चों ने ये जो आदर्श प्रथा चलाई है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, अभी हमने विधानसभा के अंदर भी ये चीज़ उठाई थी कि 2-2 एकड़ ज़मीन जो गांव के अंदर इन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए दी गई थी और उनमें कुछ अवैध कब्जे हैं, उनको हटा करके जिस रोज़गार के लिए, अभी आपने देखा होगा दीपावली पे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, प्रधानमंत्री जी का भी एक होता कि भाई दीपक या मोमबत्ती ना जला करके ये मिट्टी के दिए जलाएं, तो ये एक इनको बढ़ावा देने की, एक कुशल कारीगर जो बनेंगे बच्चे, उनको भी उस आयोजन के साथ साथ पढ़ाई की तरफ भी हमारा इनको लेकर के जाने का मुख्य उद्देश्य है। स्किल की तरफ, स्किल डेवलपमेंट भी जो हमारी यूनिवर्सिटी अभी आई है हमारे दुधौला के अंदर, उसमें भी इनके लिए प्रोग्राम रखे जाएंगे। ये सब चीज़ें नहीं, हम गरीब परिवार से भी हैं और हमने एक संदेश दिया अपने समाज को, अगर भी जितना भी हमारे दहेज प्रथा पर रोक लग सके, जितने गरीब बच्चे हैं उनको ऐसे सम्मेलन ऑर्गेनाइज करके उसमें शादी करें, जिसमें किसी का जो पैसा हम शादी में खर्च करना चाहते हैं वो अपने बेटा और बेटी की पढ़ाई पे खर्च करें और ये समाज हमारे सहयोग में साथ